नमस्कार मित्रों, कैसे हैं? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। और मित्रों, अभी मैं ओमान में उस जगह पे हूँ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जहाँ पे फारस की खाड़ी और कहूँ तो अरब की खाड़ी और ओमान की खाड़ी इस जगह पे आके मिलते हैं। तो अभी मैं ऊपर चढ़ने वाला हूँ। मेरे पीछे आप बोर्ड देख सकते हैं, 440 स्टेप्स है, यानी कि 440 सीढ़ियाँ हैं ऊपर को जाती है, और काफ़ी पसीना भी होने वाला है। तो उस जगह को मैं आपसे ऊपर से बताने वाला हूँ, बहुत ही शानदार जगह है। तो चलिए मेरे साथ। मित्रों देखिए, बहुत ही शानदार व्यू है, और यहाँ पे हमारी बोट खड़ी है, बोट से आए हैं। और ये सामने, क्योंकि पानी नीचा है तो बोट इतनी नज़दीक नहीं आ सकती। ये सीढ़ियाँ भी है और पानी बहुत ही अच्छा क्लियर है, और इन सीढ़ियों से मैं यहाँ पे ऊपर जाने वाला हूँ, काफ़ी ऊपर है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ पे देख सकते हैं, 440 सीढ़ियाँ ऊपर है। और ये जो इंस्ट्रक्शन है जो टूरिस्ट के लिए सेफ्टी के लिए है, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। और सीसीटीवी से भी यहाँ पे लैस है, ये ऊपर लिखा हुआ है, तो किसी टूरिस्ट के साथ कोई हादसा भी हो जाए तो भी रेस्क्यू के लिए ज़रूरी होता है। उस वजह से काफ़ी हार्ड टेरेन है यहाँ पे। तो चढ़ते हैं अभी ऊपर। मैं अभी 440 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आया हूँ एक ऐसे पॉइंट पे जहाँ पर ओमानी सी, ओमान सागर, और कहूँ तो गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन गल्फ, जिसको पर्शियन गल्फ भी कहते हैं, उन दोनों का ये जुड़ाव पॉइंट है। यहाँ दोनों पे, इस पॉइंट पे ये दोनों मिलती है। एक साइड में ओमान सागर है तो दूसरी साइड में गल्फ ऑफ पर्शिया और अरेबियन गल्फ का, तो दोनों, क्योंकि इधर ओमान साइड में अरेबियन गल्फ कहते हैं, ईरान साइड में पर्शियन गल्फ कहते हैं, बट लेकिन है सेम। आप देख रहे हैं इस साइड में ये खोर अशाम, यानी कि जो फ्योर्ड है अरेबियन गल्फ की और पर्शियन गल्फ की, वो यहाँ पे ख़त्म होती है। और इन पहाड़ियों से 440 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के मैं आया हूँ, और थक जाते हैं, काफ़ी टाइम लगता है। और ये आप सामने देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ऊपर तो अरेबिक में लिखा हुआ है जो मुझे नहीं पढ़नी आती, लेकिन नीचे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू बीट द चैलेंज, एन्जॉय द व्यू। ये मेरे लेफ्ट साइड में अरेबियन गल्फ है और राइट साइड में ओमानी सी, यानी ओमान सागर। ये देखिए, बहुत ही शानदार व्यू है ओमान सागर का। गल्फ ऑफ ओमान भी कहते थे पहले, लेकिन आजकल ओमानी सरकार ने नाम बदल दिया है, लेकिन है वही सेम, तो कन्फ्यूज नहीं होएगा। बहुत ही शानदार व्यू है। और ये इधर सारी जो पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं, वो लाइम स्टोन की पहाड़ियाँ हैं। और ये देखिए, इधर आपको दूसरी साइड से व्यू बताता हूँ मैं। ये देखिए, अब राइट साइड में अरेबियन गल्फ है और इस साइड में ओमानी सी है। और यहाँ पे एक टूरिस्ट के लिए प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन भी है छाया के लिए, क्योंकि यहाँ पे गर्मी काफ़ी पड़ती है मित्रों। और मेरे साथ में मेरे टूरिस्ट भी आए हैं, और यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सामने देखेंगे आप तो ये जो यहाँ से सीढ़ियाँ वापस नीचे जाएगी जहाँ से मैं आया हूँ, ये यहाँ पे ये पूरी नीचे जाती है यहाँ पे, और वो नीचे आप देख सकते हैं, ये हमारी बोट खड़ी है यहाँ पे, वहाँ से उतर कर हम यहाँ आए। पानी भी बहुत ही अच्छा क्लियर है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा गहरा नहीं है, आगे तो गहरा है। बहुत ही शानदार व्यू देखिए आप सामने, ज़बरदस्त व्यू है। और सामने वहाँ पे नॉर्मली हम फ्योर्ड के टूर ले जाते हैं, तो एक सामने छोटा सा आइलैंड भी है, सी बी आइलैंड है। और इस साइड में एक ओमानी गांव भी पड़ता है, लेकिन वो यहाँ से आप देख नहीं पाएंगे क्योंकि वो पहाड़ी के उस साइड में है। बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है।
और हालांकि इसके लिए आपको चढ़ के आना पड़ता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो इस साइड में भी हालांकि अगर टूरिस्ट जाना चाहे तो ये सीढ़ियाँ उतरती है, ये ओमान की खाड़ी या ओमान सागर में ये सामने ये सीढ़ियाँ उतरती है। इस साइड में भी बहुत ही अच्छा व्यू है। इधर राइट साइड में यहाँ से थोड़ा दिखता नहीं है, लेकिन एक जगह है खोर नाजिद, जिसक हम मोस्टली सफारी में ले जाते हैं, वहाँ से भी बहुत अच्छा व्यू है और एक छोटा सा बीच भी है। और यह आगे जो इसको जो ये पार्ट है इसको खोर हबलियान कहते हैं, खोर नाजिद, खोर हबलियान, ये ओमान सागर का यानी कि ओमान की खाड़ी का पार्ट है। और इस साइड में खोर अशाम हो गई। तो इस जगह पे फारस की खाड़ी या कहूँ अरब की खाड़ी और ओमान की खाड़ी दोनों मिलते हैं, ये जो जगह है।